मेरा इलाका, मेरा ताल्लुक है, और जनाब चेयरमैन आपका भी ताल्लुक है, आपको बिल्कुल बखूबी उसका इल्म है कि किस क्या सूरत हाल है वहाँ बिजली का। बहुत बड़ा मसला है मकरान में बिजली का, और जो है सारा पूरा साल गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है जारी है, और जो है घंटों घंटों बिजली नहीं होती है, तकरीबन 10 घंटे से ऊपर 15-16 घंटे तक बिजली नहीं होती है। और गर्मियों में तो मत पूछें, वहाँ पे जब 52 सेंटीग्रेड की गर्मी में वहाँ पे पूरे पूरे रात और दिन जो है बिजली नहीं होती है। और दूसरा जो वहाँ पे मसला एक जो है बिल्डिंग का है, आपको आपके नॉलेज में है, वहाँ पे जो है बहुत 10 साल या 5 साल पहले की बात है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी की लहर आई थी और ये सारा हालात इस तरह हुए थे, फिर फ्लड हुआ था इस दौरान, तो बिल जमा ना हो सके लोगों के, इस वजह से अब भी जो है मकरान का हर एक जो है घर वापड़ा का वो है 10 लाख या 15 लाख का ऐसे ऊपर का मकरूज है। तो उसका हमने करारदाद भी उसके लिए लेके आए थे, तो उस पे जो है हमारी जो बिजली है वो जब से सबको पता है ईरान से आती है वहाँ की, तो उस पे हमने करारदाद लेके आए थे कि वफाकी हुकूमत से हमने मुतालबा किया था कि ये जो इनके ऊपर कर्जे हैं इतने, इनको माफ़ किया जाए, फिर दोबारा नए मीटर लगाए जाए और नया सिस्टम जो है बिलिंग का वो शुरू किया जाए। तो अभी तक वो पता नहीं क्या मसले मसाले हैं कि वो सिस्टम तो अभी तक नहीं लग सका है, उनके मीटर नहीं लगे, लेकिन बिल जो है इनके हर मंथ आते रहते हैं, 1000 लेते हैं इनसे या 2000 ये इतने के करीब, वो जो इनके ऊपर पैसे उनको जो मकरूज हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, और मंथली ये भी देते जा रहे हैं, बिजली का भी बहुत बुरा हाल है। तो यकीनन हम इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करते हैं और इसमें उसकी मंजूरी की हिमायत करते हैं।